चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टावर, यहाँ से टी ओ डब्ल्यू ई आर टावर है, ड्रॉप फ्रॉम ए टावर, एक बिल्डिंग से किसी बॉडी को गिराया जा रहा है, दिस इज द बिल्डिंग, ये एक सुंदर सा बिल्डिंग है, इमेजिन करो कि ये तुम्हारी अच्छी सी सपनों की बिल्डिंग है, और एक आदमी यहाँ से चढ़ के, ठीक है ना, एक बॉल गिरा दे रहा है। तो अगर ये बॉल गिराएगा भाई, ये बॉल गिराएगा द पर्सन, तो वो बॉल नीचे ही आएगा यार। तो किसी भी इंस्टेंट यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो भी है, और ये कभी ग्राउंड पे आएगा। लेट्स कंसीडर दिस हाइट इज एच, दिस इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज स्मॉल एच, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट हाइट एच, देन विच आर द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसमें से कौन सा कॉन्स्टेंट रहेगा। देखो, अगर कौन सा कॉन्स्टेंट रहेगा किसी भी इंस्टेंट, अगर ये हाइट, ये वाली जो हाइट है वो स्मॉल एच है, दिस हाइट स्मॉल एच, तो हर पॉइंट पर तुम देखोगे, हर पॉइंट पे अंडर ग्रेविटी मोशन है, तो मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पर, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, इसकी वैल्यू उस पॉइंट पे कॉन्स्टेंट होगी या किसी भी पॉइंट पे कॉन्स्टेंट होगी। तो यहाँ से तुम देखोगे 1/2 वी स्क्वायर प्लस जी एच, तो के अपन एम, एक नया कॉन्स्टेंट जनरेट हो जा रहा है, दैट इज के डैश, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एच की वैल्यू हर पॉइंट पे कॉन्स्टेंट रहेगी, जहाँ एच एक जनरल हाइट है। तो अगर तुम देखो जी एच प्लस वी स्क्वायर, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।